जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने टर्की के साथ जुलाई 2018 में 4 मिलजेम कॉर्वेट्स का एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन किया था। रिसेंटली इस सिलसिले में टर्की में एक स्टील कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसके साथ ही इन 4 कॉर्वेट्स के हवाले से पहली कॉर्वेट की कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज हो गया है। ये कॉर्वेट्स किन किन स्पेसिफिकेशंस के हामिल हैं और इनकी फर्दर डिटेल्स के बारे में आपको आगाह करते हैं। 29 सितंबर को होने वाली इस तकरीब में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान मेहमान खसूसी थे, जबकि पाकिस्तान के नेवल चीफ ने खसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब जो कि बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, इसके फर्स्ट पोर्शन में टर्किश नेवी की तरफ से ऑर्डर किए गई 4 मिलजेम कॉर्वेट्स के सिलसिले की आखिरी कॉर्वेट टर्किश नेवल हुकाम के हवाले की गई, जबकि पाकिस्तान की 4 कॉर्वेट्स के सिलसिले की पहली कॉर्वेट की बाकायदा स्टील कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान नेवी की तरफ से ऑर्डर की गई कॉर्वेट्स मदरजा ज़ैल स्पेसिफिकेशंस पर मुश्तमिल हैं। इस कॉर्वेट की मैक्सिमम लेंथ 99 मीटर्स जबकि इसकी डिस्प्लेसमेंट 2400 टन्स बताई जाती है। पाकिस्तानी कॉर्वेट्स डीजल इंजन इस्तेमाल करेंगी, जिनको कंबाइंड डीजल एंड डीजल इंजन कहा जाता है, जबकि टर्किश कॉर्वेट्स जो है वो कंबाइंड डीजल एंड गैस इंजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। इन कॉर्वेट्स की क्रू कैपेसिटी 93 मेंबर्स है, जबकि इन कॉर्वेट्स में 106 पर्सन की अकोमोडेशन की कैपेसिटी मौजूद है। इन शिप्स की अगर हम स्पीड की बात करें तो इन कॉर्वेट्स की मैक्सिमम स्पीड 39 नॉट्स या 56 किलोमीटर पर आर, जबकि इकोनॉमी स्पीड 15 नॉट्स या 28 किलोमीटर पर आर बताई जाती है। इकोनॉमी स्पीड पर इन शिप्स की रेंज 3500 नॉटिकल माइल्स या 6500 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इंडोरेंस के लिहाज से ये शिप्स 10 दिन तक बगैर किसी लॉजिस्टिक सपोर्ट के समंदर में रह सकती हैं, जबकि लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ इन शिप्स की इंडोरेंस 21 डेज बताई जाती है। इन कॉर्वेट्स में 2 स्मॉल बोट्स भी स्टोर करने की स्पेस मौजूद है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। इन कॉर्वेट्स की डिस्प्लेसमेंट 2400 टू 2700 टन बताई जाती है। इन कॉर्वेट्स की अगर हम वेपन सिस्टम और रडार्स की बात करें तो इन कॉर्वेट्स में स्मार्ट SMK2 रडार नस्ब है। ये रडार जो कि अमेरिकन ओरिजिन है, इसको टर्किश कंपनी एसलसान अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस करती है। ये रडार ना सिर्फ स्टील टारगेट को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इसकी एयर टारगेट्स को डिटेक्ट करने की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर, जबकि सरफेस टारगेट्स को 80 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये रडार डिटेक्ट कर सकता है। स्मार्ट S2 सिस्टम जो कि 3D ट्रैक्स प्रोवाइड करता है, इस लिहाज से ये रडार करेक्ट क्लासिफिकेशन और रैपिड एक्विजिशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। इस रडार को 3D मल्टी बीम रडार भी कहा जाता है। इसी तरह से अगर इन कॉर्वेट्स के वेपन कंट्रोल रडार्स की बात की जाए तो ये कॉर्वेट्स SLSAN के AKRD ब्लॉक 2 फायर कंट्रोल सिस्टम रडार इस्तेमाल करेंगी, जिसकी मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर है। याद रहे कि इससे पहले टर्किश मिलजेम कॉर्वेट्स की सिलसिले की पहली 3 कॉर्वेट्स में अमेरिकन मेड स्टिंग EO MK2 फायर कंट्रोल रडार इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 72 किलोमीटर है। इसी तरह से ये कॉर्वेट्स SLSAN कंपनी के एल्पर नामी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी LPI एक्सपैंड नेवल रडार इस्तेमाल करेंगी। ये रडार बुनियादी तौर पर सी सरफेस टारगेट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी मैक्सिमम रेंज 67 किलोमीटर है। इसके साथ साथ ये कॉर्वेट्स CI नामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉग्निशंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम भी इस्तेमाल करेगा, जो कि अगेन SLSAN ने मैन्युफैक्चर किया है। इसी तरह से इसमें लोकल टर्किश मेड टॉरपीडो काउंटर मेजर सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। लास्ट में अगर इन कॉर्वेट्स के वेपन सिस्टम की बात की जाए तो पाकिस्तानी कॉर्वेट्स के वेपन सिस्टम टर्किश नेवी के कॉर्वेट से काफी हद तक मुख्तलिफ होंगे, जैसा कि टर्किश नेवल कॉर्वेट्स में 8 हार्पून ब्लॉक 2 एंटीशिप क्रूज मिसाइल फायर किए जा सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम रेंज 125 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान इन कॉर्वेट्स में हरबा एंटीशिप क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अंडर डेवलपमेंट है, वो इंटीग्रेट करने का इरादा रखता है। याद रहे कि हरबा क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। बाज़ एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान जो इस सिलसिले की
फोर्थ और लास्ट कॉर्वेट होगी। पाकिस्तान नेवी के हुकाम का कहना था कि ये लास्ट शिप बाकी तीन शिप से बहुत हद तक मुख्तलिफ होगी और पाकिस्तान इसको टोटली नए सिरे से डिजाइन करने का इरादा रखता है। इस लिहाज से ये क्वाइट पॉसिबल है कि पाकिस्तान इसमें अंडर डेवलपमेंट सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल इंटीग्रेट करेगा। इसी तरह से टर्किश कॉर्वेट्स में इस वक्त सी रैम RIM-116 जिसको रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पे क्लोज इन वेपन सिस्टम है जो शिप के सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इस क्लोज इन वेपन सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 9 किलोमीटर बताई जाती है और ये 21 मिसाइल फायर कर सकता है, जबकि इस मिसाइल की स्पीड +2 मैक बताई जाती है। इसी तरह से पाकिस्तानी कॉर्वेट्स में 16 सेल्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होगा जिससे पाकिस्तान LYAT सरफेस टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट किए जाएंगे और इसमें काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान इसमें LYAT का बी वर्जन जिसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है उसको इंटीग्रेट करेगा। इसी तरह से इन कॉर्वेट्स में 2 12.7 mm की SLSAN स्टैम्प 2 नामी रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी नस्ब की गई है, जैसा कि आप इन तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक 76 mm की मेन गन भी मौजूद है। ये मेन गन 16 किलोमीटर के डिस्टेंस तक एयर और सरफेस टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, जबकि इस गन में 120 किलोमीटर पर मिनट राउंड फायर करने की सलाहियत मौजूद है। तहम इस गन की इफेक्टिव रेंज 5 से 8 किलोमीटर बताई जाती है। इन शिप्स में ड्यूल MK-32 नामी टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी मौजूद हैं जिनके जरिए से MK-46 और MK-45 नामी टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं और इन टॉर्पीडोज की रेंज 8.5 से 11 किलोमीटर बताई जाती है। इन कॉर्वेट्स में Sea Hawk 60 हेलीकॉप्टर का हैंगर और डेक भी मौजूद है। फाइनली इसकी टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टू शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान को 2023 में मौसूल होंगी, यानी फर्स्ट शिप 54 मंथ्स में बिल्ड की जाएगी, जबकि बाकी तीन शिप्स 6 मंथ्स के इंटरवल से यानी 60, 66 और 72 मंथ्स के टाइम फ्रेम में बिल्ड की जाएंगी। यूं तमाम शिप्स पाकिस्तान को 2023 से 25 के दरमियान मौसूल हो जाएंगी।